गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में, जो हेल इन अ सेल के बाद सबसे पहला शो था। आज हमें देखने को मिला रोमन रेंज और जे उसो की स्टोरी लाइन में क्या कमाल चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अलिया और मर्फी के बीच में आज जो हुआ उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और साथ के साथ सर्वाइवर सीरीज के कुछ क्वालिफाइंग मैचेस जो हमें देखने को मिले सारी चीजें डिस्कस करेंगे। स्मैकडाउन के बारे में वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, जितने ज्यादा लाइक उतना होता है हमारा फायदा, और अपने ओपिनियन ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अभी शो स्टार्ट होता है, रोमन रेंज आते हैं बाहर और जे उसो पहले से ही रिंग के अंदर खड़े होते हैं, और यहाँ पे रोमन रेंज आके बताते हैं कि उन्होंने जो एग्जैक्टली कहा था उसो को बिल्कुल वैसा ही हेल इन अ सेल में हुआ, और अब वो कहते हैं समय आ गया कि तुम अपने कॉन्सिक्वेंसेस को झेलोगे, जो तुम्हारा रिजल्ट है वो यहाँ पे अब आने वाला है। और रोमन रेंज कहते हैं बेसिकली कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मेंबर बन जाओ मेरी टीम के। लेकिन जे उसो कहते हैं कि भाई जो चीज तुमने अब करी है मैं तुम्हें कभी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कभी भी उस तरीके से नहीं देख सकता जिस तरीके से पहले देखता था, क्योंकि तुम अपनी चैंपियनशिप के लिए कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए, जो कि गलत है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि हेल इन अ सेल में तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने मेरी वीकनेस यूज करी, तुम्हें पता है कि जिमी उसो के लिए मैं कभी भी क्विट कर सकता हूं, और तुमने वही चीज करी। और रोमन रेंज अग्री करते हैं इस चीज से, और यहाँ पे जे उसो कहते हैं जबकि उनको ज्वाइन नहीं करना और वो रोमन को पसंद नहीं करते, रोमन रेंज एक अल्टीमेटम देते हैं यहाँ पे जे उसो को और कहते हैं कि भाई आज शो खत्म होने से पहले तुम मुझे ज्वाइन करोगे और ये बात मुझे पता है, और वो यहाँ से चले जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग की सेगमेंट थी काफी अच्छी थी, और रोमन रेंज एक बार फिर से क्या ही कमाल कर रहे हैं, मतलब प्रोमो लेवल जो चेंज हुआ है रोमन रेंज का, मतलब एब्सोल्युटली अमेजिंग था, देख के मजा आ गया उनका ये प्रोमो। इसके बाद हमें सर्वाइवर सीरीज का क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है केविन ओवेंस और डॉल्फ ज़िगलर के बीच में गाइस, और ये एक काफी अच्छा मैच था। बॉबी रूट जो है वो खड़े हुए थे रिंग साइड पे, लेकिन यहाँ पे केविन ओवेंस जीत गए स्टनर लगा के, और सबसे पहले मेंबर बन गए वो जो स्मैकडाउन की टीम के लिए क्वालिफाई करेगा, तो ये एक अच्छी चीज थी। इसके बाद हमें देखने को मिलती है लार्स सलिवन की एक सिट डाउन इंटरव्यू बैक स्टेज विद कोरी ग्रेव्स, और यहाँ पे बेसिकली लार्स सलिवन हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से बचपन में लोग उन्हें बुली करते थे, उन्हें फ्रीक बुला के चिढ़ाते थे स्कूल में, और एक दिन उन्होंने स्कूल में सारे लोगों को मार दिया, उनके बाद उनको कभी स्कूल बुलाया नहीं गया, और अब उनका WWE में बेसिकली गोल है कि जितने ज्यादा दर्द पहुंचा सके बाकी सुपरस्टार्स को जो उनके रस्ते में आ रहे हैं, वही वो करना चाहते हैं। तो ये काइंड ऑफ उनकी इंटरव्यू थी, और ये बताती है कि जो उनका फ्रीक वाला पुश है वो कंटिन्यू होने वाला है, काफी स्ट्रांग उनको दिखाया जाएगा, इतनी आसानी से वो हारने नहीं वाले, लेकिन कौन उनका अपोनेंट होगा, किसके साथ उनकी फ्यूड होगी, इसके बारे में अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं मिला है। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच फॉर द स्मैकडाउन विमेंस टीम फॉर सर्वाइवर सीरीज, और ये मैच था बिली के, नटालिया और बियांका बेलेयर के बीच में। अब यहाँ पे नटालिया तो चलो ठीक है रॉ से अभी स्मैकडाउन पे आई, बिली के ने आखिर ऐसा क्या करा कि वो सर्वाइवर सीरीज की टीम में हो, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होने वाला था। और बियांका बेलेयर इस समय काइंड ऑफ काफी हॉट चल रही है और उनको पुश करा जा रहा है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर उनको जीतना था ये बात मैं जानता था, और इस मैच को वो जीत गई है और सबसे पहले मेंबर बन गई है स्मैकडाउन की विमेंस टीम के ऊपर, जो कि क्वालिफाई कर चुकी है गाइस फॉर द सर्वाइवर सीरीज टीम। अब इसके बाद जो आज हमें यहाँ पे सेगमेंट देखने को मिली वो प्रॉब्ली शो पे सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल थी, क्योंकि यहाँ पे अलिया और मर्फी बैकस्टेज बात करके डिसाइड करते हैं कि मर्फी अब पब्लिकली जाके रे मिस्टीरियो और डोमिनिक से माफी मांगने वाले हैं, और वो कहते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके अगेंस्ट अच्छा बन जाऊं, उनके साथ रिलेशन अपना अच्छा कर लूं। तो वो बाहर आ जाते हैं यहाँ पे अलिया के साथ, और वो कहते हैं कि मैं रे मिस्टीरियो और डोमिनिक को बाहर बुलाना चाहता हूं, उनसे फेस टू फेस अपॉलोजी मांगना चाहता हूं, लेकिन वो तो बाहर आते नहीं बल्कि आ जाते हैं बाहर सेथ रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस यहाँ पे कहते हैं कि भाई रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मुझे पता है तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे अलिया और मर्फी, लेकिन मैं तुम्हें जरूर एक्सेप्ट कर सकता हूं, अगर तुम दोनों को शादी करनी है अभी मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी सारी चीजों को एक्सेप्ट करूंगा, तो तुम क्यों ना दोनों मुझे ही ज्वाइन कर लो। और इसके बाद सेथ रॉलिंस बात करते हैं कि किस तरीके से रे मिस्टीरियो तो कभी कुछ अपना ओपिनियन चेंज नहीं करने वाले, और डोमिनिक एक कावर्ड है, और जैसे सेथ ये बोलते हैं पीछे से डोमिनिक आते हैं आउट ऑफ नोवेयर और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे सेथ के ऊपर, और मर्फी जो है यहाँ पे डोमिनिक को फेंकते हैं पीछे उठा के, और सेथ को वो भी अटैक करते हैं। रॉलिंस बाहर निकल जाते हैं, लेकिन डोमिनिक और मर्फी के बीच में फिर ब्रॉल शुरू हो जाती है, और उसके बाद रे मिस्टीरियो बाहर आ जाते हैं डोमिनिक को बचाने के लिए, और उसके बाद ये दोनों मिलके मर्फी के ऊपर एक 619 लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलिया बीच में आ जाती है और वो कहती है रे को कि डैड देखो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी, और ऐसा जो है यहाँ पे आज होगा नहीं, इनफ इज इनफ। और रे मिस्टीरियो यहाँ पे अलिया को कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो और यहाँ से निकलो, यहाँ पे तुम्हारे रहने का कोई फायदा नहीं है। और अलिया कहती है डैड आई लव हिम, आई लव मर्फी, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ओह माय गॉड 19 इयर्स ओल्ड 32 इयर्स ओल्ड इज मर्फी, हो गया यहाँ पे प्यार की कहानी शुरू। और बेसिकली उसके बाद रे मिस्टीरियो और डोमिनिक बिल्कुल जो है वो
मतलब समझ नहीं आती उनको एलिया क्या बोल रही है, तो वहां से जाते हैं रिंग से बाहर। और उसके बाद जो हमें देखने को मिला एक्चुअली मर्फी जो है वो मुड़ते हैं पीछे, एलिया मुड़ती है पीछे और दोनों आपस में किस करते हैं। तो ये चीज हमें बहुत हफ्ते से पता थी कि भाई आने वाली है, और अब क्या हमें शो पे देखने को मिला जो ये सेगमेंट थी, ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा हम जानते थे कि किसी ना किसी हफ्ते में स्मैकडाउन में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये स्टोरी लाइन जो चल रही है अभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसमें चल क्या रहा है और आखिर इसका पर्पस क्या है, कहाँ जाके एंड होगी, क्योंकि काफ़ी महीने ऑलरेडी इसको हो चुके हैं। मंडे नाइट रॉ से चलती आ रही है, अब स्मैकडाउन पे चल रही है, क्या एक्चुअली में WWE इस बात को जानती है कि वो कर क्या रहे हैं? आई होप ऐसा हो, तभी एंड में एक अच्छी स्टोरी लाइन ही कहलाएगी। लेकिन अगर एकदम से ऐसे ही एंड हो जाएगी तो हम कहेंगे भाई इतना टाइम हमारा वेस्ट करा और उसके बाद कुछ दिया भी नहीं, तो वो चीज़ है। लेकिन डेफिनेटली ये जो आज हमें देखने को मिला, मतलब अलिया की एक्टिंग के बारे में मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा और पैशन होता उस चीज़ के अंदर तो मज़ा आता है, रियलिटी लगती थोड़ी। लेकिन भाई आपको एक ऐसा लगा सेगमेंट आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और मुझे लगता है धीरे धीरे डेफिनेटली अलिया अपनी एक्टिंग पे इंप्रूवमेंट लेके आ सकती हैं, क्योंकि डेफिनेटली लग रहा था कि भाई वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी इसको करने में। और मैं ये भी सुन रहा हूँ कि रियल लाइफ में अलिया का बॉयफ्रेंड है, तो आई डोंट नो उनको क्या फील हो रहा होगा, लेकिन ऑब्वियसली वो जानते हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड है। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है टैग टीम मैच बिटवीन द स्ट्रीट प्रॉफिट्स अगेंस्ट सिजारो एंड नाकामुरा। अब जब टैग टीम ही नहीं है तो यही मैच बार बार करते जाओ और चैंपियंस को जितवाते जाओ, फॉर्मर चैंपियंस को खराब दिखाते जाओ, स्ट्रीट प्रॉफिट्स जिनके साथ इतने महीने से कुछ नहीं हुआ अभी भी उनके साथ कुछ मत करो, बिल्कुल यही हमें आज देखने को मिला, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स इस मैच को जीत गए। इसके बाद साशा बैंक्स आती हैं बाहर और वो कहती हैं कि बेली उनकी बेस्ट फ्रेंड थी और ये दोनों मिलकर वर्ल्ड के ऊपर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेली जो है उनके अगेंस्ट हो गई और साशा बैंक्स के पास कोई और चीज नहीं थी करने के लिए बल्कि बेली से उनका टाइटल छीनने की, क्योंकि अब जो है एक्चुअली में बेली के साथ भी सही हुआ है। तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है और बेली आती है बाहर और बेली बेसिकली यहाँ पे एक रीमैच डिमांड करती है साशा बैंक से। तो साशा उसी चेयर पे बैठी होती है सेगमेंट में जो कि बेली ने यूज करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने हील टर्न करा था साशा के ऊपर, और वो बेसिकली बेली के लॉकर में चुपके से गई और चेयर को लेके आ गई। और बेली यहाँ पे कहते हैं कि नेक्स्ट वीक मुझे एक रीमैच चाहिए, और एक बात हम सब जानते हैं कि साशा तुम चैंपियनशिप तो जीतती हो लेकिन कभी लंबी रेन तुम्हारी होती नहीं है, और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही होगा, 13 दिन के अंदर तुम्हारी टाइटल रेन को मैं खत्म कर दूंगी। तो इन दोनों के बीच में सेगमेंट हमें देखने को मिली है, नेक्स्ट वीक के लिए मैच ऑफिशियल भी कर दिया गया है जो कि हमें स्मैकडाउन में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है सैमी ज़ेन की तरफ से एक प्रोमो जहां पे वो बात करते हैं बॉबी लैशली के बारे में और कहते हैं कि मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हूं, लेकिन बॉबी लैशली सिर्फ एक ही कंट्री में फेमस है और उस कंट्री का नाम नहीं लेते। आई थिंक शायद ये एक रेसिस्ट जोक था, बट आई डोंट नो कि आखिर ये कर क्या रहे थे सैमी ज़ेन यहाँ पे। और बेसिकली उन्होंने बोला कि सर्वाइवर सीरीज में मैं प्रूफ कर दूंगा कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो है वो सुपीरियर है इन कंपैरिजन टू द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और फाइनली शो के मेन इवेंट में जे उसो अगेंस्ट डैनियल ब्रायन हमें देखने को मिलता है जो कि एक सर्वाइवर सीरीज क्वालिफाइंग का मैच था, और डैनियल ब्रायन यहाँ पे हार गए जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मुझे लग रहा था कि शायद रोमन रेंस इंटरफेयर करेंगे जिसकी वजह से उसो इस मैच को हार सकते हैं, लेकिन उसो यहाँ पे इस मैच को जीत गए। और मैच के बाद रोमन रेंस आते हैं रिंग के अंदर और उसो कहते हैं रोमन को कि आई विल ज्वाइन यू, आई एक्सेप्ट इट, और तुम हो हेड ऑफ द टेबल, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो उन्होंने सारी बातों को एक्सेप्ट किया और रोमन रेंस कहते हैं तुम मुझे प्रूव करके दिखाओ कि तुमने ये एक्सेप्ट करा है। और फिर उसके बाद उसो जो है बिल्कुल अपनी हम कहते हैं ही लॉस्ट हिज शिट, और उसके बाद वो अटैक करते हैं डैनियल ब्रायन के ऊपर, तो उनको टेबल के थ्रू एक स्प्लैश देते हैं और उन पर अटैक करते चले जाते हैं। और रोमन रेंस के चेहरे पर वो ईविल स्माइल, उनकी स्मर्क देखने को मिली आज हमें, जिससे क्लियरली पता लगता है कि वो बहुत खुश हैं कि उनका भाई बहन उनके साथ है। लेकिन डेफिनेटली गाइज ये जो स्टोरी लाइन चल रही है रोमन रेंस की इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, प्रॉब्ली पूरी WWE में इस समय सबसे अच्छी ये चीज़ चल रही है, और उसकी वजह से आज स्मैकडाउन का शो जो था स्टार्ट अच्छा हुआ और एंड अच्छा हुआ। बाकी ओवरऑल शो की मैं बात करूँ तो पिछले कुछ हफ्तों के कंपैरिजन में आई थिंक कि स्मैकडाउन का शो आज एवरेज था, ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड शो है, लेकिन एवरेज या उससे थोड़ा ऊपर आप कह सकते हैं। तो हम इम्प्रूवमेंट की ऑब्वियसली यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बीच में मैचेस हुए हैं कुछ खास उनकी सेंस नहीं थी, जैसे कि टैग टीम मैच ऑब्वियसली, बाकी जो सारे क्वालिफाइंग मैचेस थे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस तरीके से सर्वाइवर सीरीज के लिए और भी चीजें बिल्ड करी जाती है स्मैकडाउन के ऊपर। और गाइस ये था मेरा आज का रिव्यू, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपने ओपिनियंस मुझे कॉमेंट्स में बताएं। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।